लेखा शास्त्री क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन दोहरा लेखा प्रणाली के विषय में पढ़ेंगे। तो दोहरा लेखा प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं? दोहरा लेखा प्रणाली दो पक्षों में होता है, डेबिट और क्रेडिट। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सौदे को क्या करते हैं, अपन दो पक्षों में लिखते हैं। जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो दो पक्षों में उसका क्या किया जाता है, लेखा किया जाता है, दो पक्षों में लेखा किया जाता है। और प्रत्येक सौदे कैसे होते हैं, दो पक्षों में किए जाते हैं। पहला होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। फिर दूसरा है पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली। तो जो दोहरा लेखा प्रणाली है वह सौदों को, लेखांकन को निश्चित नियम होते हैं, जो लेखा करने के जो निश्चित नियम होते हैं उनके आधार पर वो किया जाता है। ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता को क्या करते हैं, प्रकट करती है। फिर है खातों का वर्गीकरण। तीसरी जो इसकी विशेषता है वह है खातों का वर्गीकरण। इस प्रणाली में खातों का जो खाते होते हैं वो कैसे होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, जो वस्तु संपत्ति लाभ हानि आय व्यय वर्ग और अन्य मतलब चीजों को क्या करते हैं, वर्गीकृत कर लेखे किए जाते हैं। जैसे आपके खाते व्यक्तिगत खातों में आपने कितना क्रेडिट है, कितना डेबिट है और कौन सी वस्तु और संपत्ति आपके पास है, इन सब का जो लेखा जोखा है खातों के वर्गीकरण में लाभ हानि खाता आय व्यय में वर्गीकृत करके लेखे किए जाते हैं। फिर लेखांकन समीकरण की पुष्टि। तो जो लेखांकन होते हैं वह कैसे होते हैं, कायदे बनते हैं, वित्तीय वर्ष के अनुसार बनाए जाते हैं। जो चाहे वह किसी भी प्राप्ति को या प्रणाली के अंतर्गत लेखे करने में समीकरण की क्या होती है, पुष्टि हो जाती है कि जो लेखे बनते हैं वह किसके आधार पर बनते हैं, वित्तीय वर्ष के आधार पर और व्यवहार पर बनते हैं। तो ये हो गए आपकी दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषता। इसके बाद है दोहरा लेखा प्रणाली के मूल सिद्धांत क्या है, समझाइए। तो दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के दो पक्षों का प्रभाव होता है। दो पक्ष पहले ही मैंने बताया, डेबिट और दो मतलब जो दोहरा लेखा प्रणाली है दो पक्षों के प्रभाव, इसमें लेनदार और देनदार का प्रभाव दोनों पर पड़ता है। जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, लेनदार और देनदार दोनों पक्षों पर पड़ता है। एक पक्ष पाता है और दूसरा पक्ष क्या करता है, उसको देता है। जैसे कि श्याम ने मतलब जो भी चीज पाई, आपको मतलब खाते में विवरण होगा, पाना जो पक्ष एक पक्ष होता है पाना पाता है, तो दूसरा पक्ष क्या करता है, अगर आप कोई भी सामान क्रय करोगे तो उसको एक पक्ष में लिखोगे और विक्रय दूसरे पक्ष में, तो दोनों को साथ साथ होना अनिवार्य है। मतलब देनदार और लेनदार दोनों एक साथ होना अनिवार्य है। दूसरा है प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं। तो बताया था मैंने एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। जैसे कि लेन देन के लिए एक खाते को केवल एक पक्ष ही क्या मतलब जो एक लेनदार का खाता होता है वह एक पक्ष को मतलब एक पक्ष उसका क्या होता है, प्रभावित होता है। फिर दोनों खातों का लेखा, प्रत्येक सौदे में व्यापारी की पुस्तक में दो मतलब दो खातों को लिखा जाता है। तो खाते जो बल गए व्यापारी है वह कौन कौन सी खाता बनाएगा, व्यापारी खाता बनाएगा, उसमें लेनदार देनदार आय व्यय लाभ हानि इस सब का क्या करेगा, विवरण करेगा। तो दोनों खातों में लेखा करते हैं। व्यापारी को पुस्तक में दो खातों को लिखा जाता है। फिर है विपरीत पक्षों में लेखे। तो प्रत्येक सौदा जो होता है प्रत्येक सौदे में दो खातों को प्रभावित किया जाता है। यह लेखा खातों में विपरीत पक्ष में ही होते हैं, अर्थात एक खाते में डेबिट और दूसरे अवस्था होती है। पहला है दैनिक पंजी। जो दैनिक पंजी बनाते डेली रोज के लिए जो पंजी बनाई जाती है तो दैनिक पंजी कहते हैं। तो तीनों क्रम में क्या कहते हैं, प्रत्येक सौदे के तीन अवस्थाओं में लेखा किया जाता है। तो पहला हो गया पहला दैनिक पंजी में लेखा किया जाता है। दूसरा हो गया खातों का वर्गीकरण किया जाता है, मतलब जो भी खाते बनेंगे उसमें क्या किया जाएगा, वर्गीकरण। तो
प्रणाली के मूल सिद्धांत है। क्या लास्ट में क्या बनाएंगे आपके, पहला दैनिक पंजी में हो गया, इनका तीन अवस्थाओं में विवरण है, पहला दैनिक पंजी हो गया, दूसरा खातों में वर्गीकरण किया जाता है, तीसरा अंत में इन खातों से अंतिम लेखे क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। उसके बाद है प्रमापक क्या है और इनकी क्या विशेषताएं है। प्रमापक लेखांकन का प्रमाप जो होते हैं, प्रमापक होते हैं वो लेखांकन प्रमाप प्रमाण व्यवसायिक लेन देन में लिखित प्रमाणों द्वारा, मतलब जो प्रमाप होते हैं वह व्यवहारिक लेन देन लेनदारी और देनदार में लिखित प्रमाण है। इसका आधार कैसा होता है, प्रारंभिक वाणियों की शुद्धता और सत्यता की क्या की जाती है, जांच। तब जो अपन प्रारंभिक वाणियां लिखते हैं इसमें आपने मतलब आपके पास कितना हस्तरूपण है, क्या है इसके बारे में, तो प्रारंभिक वाणियों की शुद्धता है, इसकी सत्यता की जांच करने के लिए क्या किया जाता है, किया जाता है इसमें, इसमें जमा की रसीद, नगद की रसीद, मतलब आपने कितना पैसा जमा किया उसकी नगद रसीद, और रसीद किसके नाम की है, बीजक, बिल, व्यवसायिक अनुबंध और व्यवसायिक प्रपत्र व्यवहार को प्रमापक कहते हैं। तो किन किन चीजों को प्रमापक कहते हैं, जमा की हुई रसीद को, नगद रसीद को, नगद रसीद नाम मतलब जो जिसके नाम रसीद है वो, बीजक, बिल हो गए, और व्यवसायिक अनुबंध और व्यवसायिक पत्र व्यवहार को क्या कहते हैं, प्रमापक कहते हैं। तो ये आपके छोटा प्रश्न है, प्रमापक क्या है, क्या विशेषता है, तो इसका एक नमूना भी है प्रमापक का। प्रत्येक प्रमापक की संख्या होती है, प्रत्येक जो प्रमापक होते हैं उसकी संख्या, मतलब जो प्रमापक होते हैं वो क्रम से लिखे जाते हैं, 1, 2, 3, 4 तो क्रम के अनुसार प्रमापक बनते हैं। प्रत्येक प्रमापक में सबसे पहले संस्था का नाम और पता छपा होता है। आप कोई भी रसीद लेते हो या देखते हो तो उसमें पहले मतलब आप लिखते हो ना, आपने देखा होगा कोई बिल ले जब अपन लेते हैं तो उसमें संस्था का नाम और उसका पता छपा हुआ होता है। फिर प्रमापक का प्रमापक तिथि दी होती है, अगर आप कोई प्रमापक लेते हैं या कोई बिल लेते हैं तो उसमें आपको तिथि भी दी रहती है। प्रत्येक प्रमापक में डेबिट किए गए व्यक्ति का नाम तथा माल और नगद व्यय को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है, मतलब आप जब किसी को बिल देते हैं, कोई भी वस्तु देते हैं तो उसमें आपको व्यक्ति का नाम तथा माल या नगद व्यवहार को क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से मतलब उसमें लिखा होता है। प्रत्येक प्रमापक में क्रेडिट किए गए व्यक्ति का नाम, मतलब जो प्रत्येक प्रमापक होते हैं बिल होता है उसमें क्रेडिट किए गए व्यक्ति का नाम एवं माल आय को स्पष्ट रूप से किया जाता है। उसमें होता है आप किसी भी प्रमापक को आप नगद, चेक, बैंक ड्राफ्ट, लेन देन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है, मतलब जो प्रमापक होते हैं उनका नगद, चेक, ड्राफ्ट में लेन देन का स्पष्ट रूप से क्या करते हैं, उल्लेख किया जाता है। और प्रत्येक प्रमापक का अधिकृत व्यक्ति अधिकारी के भी, मतलब जो प्रमापक होते हैं जो अधिकृत आप किसी को बिल दोगे तो उसके अधिकृत जो व्यक्ति होता है उस अधिकारी के क्या होते हैं, हस्ताक्षर लेते हैं। प्रमापक के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर प्रालेख भी लगाए जाते हैं। प्रत्येक प्रमापक लेखापाल या अधिकृत अधिकारी द्वारा, जो प्रमापक होते हैं वह लेखापाल और अधिकृत अधिकारी द्वारा क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और प्रमापक में आवश्यकता पड़ने पर टिकट भी लगाया जाता है। उसके कोई प्रमापक बनाने के लिए फिर ये एक प्रमापक का एक नमूना हो तो आपको वाउचर नंबर हो गया यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आप डेट लिख लोगे, मान लीजिए आपने आज की डेट लिख लीजिए तो ये आपके लिए, आपने किसी व्यक्ति को कोई जो प्रमापक का नमूना दिया हुआ है तो डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पर आप कोई भी व्यक्ति को जो आप क्या कर रहे हो, किसको दे रहे हो, किसको ले रहे हो, है ना, इसके बारे में आपको लेन देन करने के लिए एक नमूना है तो आपका यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। मान लीजिए 2000 रुपए में आपने किसी को दिया, फिर क्रेडिट और डेबिट, तो इनकी उसके बारे में आपको पूरे अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट किए गए
व्यक्ति का इसमें आपको आ जाएगा नाम और माल नगद व्यय के स्पष्ट रूप से, यहाँ पर आपको डेबिट यहाँ पर आएगा नाम आ जाएगा और इसको नगद रूप से आपने इसको क्या किया क्रय किया उसके बारे में आ जाएगा। क्रेडिट किया आपने, मतलब क्रेडिट का मतलब होता है कि व्यक्ति का नाम और माल व नगद आय को स्पष्ट रूप से लिखना, यहाँ पर व्यक्ति का नाम हो जाएगा, व्यक्ति का नाम और जो उसने नगद रूप में आपको दिया, जैसे आपने तय किया 2000 में उसने नगद दिया आपको, तो यहाँ पर आप उसको नगद का अमाउंट लिख लेंगे, तो टोटल अमाउंट आपने अगर मान लो उसने आपको 1000 रुपये दिया तो आपके फिर कितने यहाँ पर 1000 रुपये बचेंगे, तो मैनेजर के यहाँ पे साइन हो जाएंगे, अकाउंटेंट भी हो जाएंगे, है ना। तो ये एक प्रकार का प्रमापक नमूना, ये आपको नवोत्पन्न का आपको एक मैंने बताया है ना, ठीक। और उसके बाद आपको, तो आज आपको प्रमापक के बारे में बताया, दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं, सिद्धांत और प्रमापक क्या होते हैं, प्रमुख प्रमापक के क्या सिद्धांत है, प्रमापक की विशेषताएं बताई और प्रमापक का एक नमूना बताया कि प्रमापक का नमूना कैसे बनाया जाता है। तो ये आज आपको मैंने लेखा शास्त्र की क्लास में आपको ये इतनी सारे विषय में चर्चा हुई, आप इसको पढ़ेंगे और आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।